हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साणा और सुजानगढ़ तीनों सीटें जीतेगी भाजपा। 2023 में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेगी जनता। डॉक्टर सतीश पुनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में चाय वाले, सब्जी वाले, पान वाले सहित आम जन से संपर्क कर चुनाव प्रचार किया। पान वाले का आग्रह स्वीकार कर डॉक्टर सतीश पुनिया एवं दीप्ति माहेश्वरी ने पान का स्वाद लिया। प्रदेश के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ की कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। वादा पूरा करें मुख्यमंत्री गहलोत। डॉक्टर पुनिया। अशोक गहलोत ने SOG ACB पुलिस के माध्यम से अपनी ही पार्टी के विधायकों को डराया धमकाया। डॉक्टर पुनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने राजसमंद शहर में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में चाय वाले, सब्जी वाले, पान वाले सहित आम जन से संवाद कर जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पान वाले के आग्रह को स्वीकार कर डॉक्टर पुनिया एवं दीप्ति माहेश्वरी ने पान का स्वाद भी लिया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, विधायक सुरेंद्र राठौर, चंद्रभान आक्या सहित कई पदाधिकारी एवं तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद राजसमंद में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर पुनिया ने कहा कि तीनों विधानसभा उपचुनावों को लेकर जमीन पर बहुत पहले ही तैयारी पूरी हो चुकी थी। हमारी बूथ तक की मजबूत वर्किंग हो चुकी है और तीनों सीटों पर भाजपा शानदार जीत दर्ज करेगी। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि 2.25 साल पहले 2018 में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में संपूर्ण किसान कर्ज माफी का वादा किया गया था और इनके अंतर्राष्ट्रीय एवं महान नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन आज भी प्रदेश के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। कर्ज माफी नहीं होने से प्रदेश में दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। श्री गंगानगर के राय सिन्हा नगर में किसान सोहन लाल ने सुसाइड करने से पहले वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया था। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता करीब 2.5 लाख युवाओं को ही दिया जा रहा है और इसमें भी ये स्थिति है कि लगभग साल भर से युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ता पहुंच ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 25 से ज्यादा ऐसी भर्तियां लंबित हैं और इस सरकार के कुशासन के कारण पर्चे लीक हो रहे हैं क्योंकि ये सरकार वीक है। ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है जिसको प्रदेश की जनता ने पंचायत राज चुनाव में आईना दिखाकर 21 में से 14 जिलों में भाजपा का वोट बनाया और कांग्रेस मात्र 5 जिलों में ही वोट बना पाई। किसी भी सरकार के खिलाफ 3-4 सालों में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के 2.25 साल के शासन में ही एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका है। प्रदेश की जनता हताश निराश है और न केवल इन तीनों उपचुनाव में बल्कि 2023 में विधानसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगी। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में हुए अपराध एवं महिला अपराधों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार से शिकायत की जिस पर राज्य के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि जनता मन बना चुकी है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में तीनों सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। स्वर्गीय किरण महेश्वरी ने राजसमंद में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में शानदार विकास कार्य किए और पानी को लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनको पानी वाली बाई के नाम से भी जाना जाता है। उनके शानदार विकास कार्य को देखते हुए राजसमंद की जनता का आशीर्वाद उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को मिल रहा है और वे चुनाव जीत कर राजसमंद को विकास में और आगे लेकर जाएंगी। फोन टैपिंग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर पुनिया ने कहा कि ये सरकार न केवल दूसरों के फोन टैप करवा रही है बल्कि खुद के पार्टी के नेताओं के भी फोन टैप करवाए क्योंकि ये सरकार शुरू से ही कमजोर है। बाड़ाबंदी का प्रकरण पूरे प्रदेश ने देखा। हार की बौखलाहट से कांग्रेस सरकार ऑडियो वीडियो की षड्यंत्र रच रही है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि सरकार प्रेशर पॉलिटिक्स कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। SOG ACB पुलिस के माध्यम से अपनी ही पार्टी के विधायकों को उन्होंने डराया धमकाया। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। रेमेडीज वीर दवाई की कालाबाजारी हो रही है जो कोरोना के इलाज में महत्वपूर्ण दवा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार विकास के नाम पर भी भेदभाव कर रही है। जिस DMFT के फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है उसको लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही लूट रही है।
डॉक्टर पुनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार तबादला और भेदभाव की सरकार है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए जो घोषणा की गई, क्या पहले इन क्षेत्रों में विकास की जरूरत नहीं थी? क्या यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, कॉलेजों की जरूरत नहीं थी? डॉक्टर पुनिया ने कहा कि यह सरकार नैतिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है। इनके साथ निर्दलीय विधायकों का कोई अता पता नहीं, वो कभी इधर तो कभी उधर घूमते हैं। बसपा के विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस सरकार की हालत ऐसी है कि कहीं की स्टेयरिंग, कहीं का फटा, कहीं की सीट, इस तरह लटक लटक कर सरकार चल रही है। जागरूक टीवी की राजसमंद से खास रिपोर्ट।